देर में दिल्ली से सटे नोएडा में ट्विन टावर ढहाने का ट्रायल होगा। सुपरटेक एमरल्ड फोर्ट में बने ये ट्विन टावर नोएडा के सेक्टर 93A में है। टावर संख्या 16 सियान और टावर 17 एपेक्स में टेस्ट ब्लास्ट होगा। 5 पिलर में टेस्ट ब्लास्ट होगा। इनमें ब्लास्ट लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। टेस्ट ब्लास्ट के दौरान इलाके की 2 सड़कें बंद रहेंगी। इस दौरान लोग बालकनी में भी नहीं आ सकेंगे। सिर्फ 3 सेकंड में ब्लास्ट टेस्ट हो जाएगा। इसमें करीब 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्डिंग में कुल 24 होल्स हैं। हर ब्लॉक में 20 ग्राम के करीब विस्फोटक डाले गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 93A के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने का काम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। अरविंद और सुशांत मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, थोड़ी ही देर में 2:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, टेस्ट ब्लास्ट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए और अब से कुछ मिनट बाद जो ये 103 मीटर की है जो इमारत है सुपरटेक की, जिसमें एपेक्स जो बिल्डिंग है उसमें ये ट्रायल ब्लास्ट होना है मलिका, और बेसमेंट में और जो 13वें मंजिल है, तो कुल 5 फ्लोर पर ये ट्रायल ब्लास्ट होगा। 4 किलो विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। 3 सेकेंड का महज ये ट्रायल ब्लास्ट होगा। और जिस तरीके जो कंपनी है एफिडिस, बकायदा यहाँ पर बोर्ड भी इसका लगाया हुआ, अगर आप देखेंगे सामने की तरफ ये बोर्ड भी जिसमें लगाया गया ब्लास्टिंग एरिया, 3 सेकंड का ये ब्लास्ट होगा। और जो एक्सपर्टाइज है जो तमाम यहाँ पर लोग वो यहाँ पर मौजूद है, और फिलहाल इस ट्रायल ब्लास्ट के ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जब 22 मई को फाइनल ब्लास्ट होगा, और ये भी बताया गया है कि महज 9 सेकंड के अंदर जो ये पूरी 103 मीटर की बिल्डिंग है जमींदोज हो जाएगी 22 मई को, तो उसके पहले की ये रिहर्सल एक ट्रायल ब्लास्ट है जिसके जरिए एक्सपर्ट ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने विस्फोटक की उस दिन जरूरत पड़ेगी और किस तरीके से इस बिल्डिंग को गिराया जाए, ताकि आसपास अगर आप देखें तो ठीक सटा हुआ सुपरटेक का एक रिहायशी बिल्डिंग है, उसके ठीक इस बगल में आप देखेंगे तो रिहायशी बिल्डिंग है, इनको नुकसान न हो। और फिलहाल ट्रायल ब्लास्ट के पहले सभी लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत दे दी गई है। अगर आप ये देखें तो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है सुरक्षा के लिहाज से। तो अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर ट्रायल ब्लास्ट हो जाएगा, जिसकी तस्वीर मैं आपको रोक रही हूँ। दर्शकों को हम ये सुना देते हैं कि किस तरह की अनाउंसमेंट वहां पर की जा रही है, क्या जरूरी निर्देश वहां पर लोगों को दिए जा रहे हैं, वो सुनाते हैं दर्शकों को, फिर वापस आपके पास आऊंगी। ये ब्लास्ट का ट्रायल होगा। आप सभी लोग जो है दूरी बना के रखें, ब्लास्ट ट्रायल है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग दूरी बना के रहें, आप लोग खुद की अपनी सुरक्षा करें और दूरी बना के रहें। सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से, छायाकार बंधुओं से आग्रह है कि ब्लास्ट का ट्रायल होगा, आप सभी लोग जो है दूरी बना के रखें, ब्लास्ट ट्रायल है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग दूरी बना के रहें, आप लोग खुद की अपनी सुरक्षा करें और दूरी बना के रहें। सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से, छायाकार बंधुओं से आग्रह है कि ब्लास्ट का ट्रायल होगा। आप सुशांत, यकीनन ये अनाउंसमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण, और आपके जरिए, आज तक के जरिए हम अपने दर्शकों को भी ये जानकारी देना चाहेंगे कि इस ब्लास्ट ट्रायल के दौरान किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई हताहत ना हो, इन निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी। क्या क्या और गाइडलाइंस दी गई है लोगों को? देखिए मलिका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा सुपरटेक की जो ये बिल्डिंग है ट्विन टावर, इसके आसपास के पूरे इलाके को जो है वो खाली करा लिया गया है। आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें रहने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो बिल्डिंग से बाहर बिल्कुल भी बाहर ना आए, अपनी बालकनीज में भी बाहर ना आए। इसके अलावा नोएडा पुलिस और चीफ फायर ऑफिसर्स खुद यहां पर मौके पर मौजूद है, एडिशनल DCP यहां पर मौके पर मौजूद है। लगातार जो आसपास की पूरी सिक्योरिटी बिल्डिंग्स है उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहां पर रखे गए हैं। आप लगातार देख सकते हैं कि ये तमाम सिक्योरिटीज है जो कि लगातार जो सुपरटेक के आसपास की बिल्डिंग्स है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोगों के पास है, वो लगातार यहां पर मुआयना कर रहे हैं, बाहर खड़े होकर
पर कि कोई भी शख्स बिल्डिंग के बाहर ना आए, क्योंकि जब यहाँ पर ब्लास्ट होगा, क्योंकि 13वीं मंजिल पर ब्लास्ट होना है और सुपरटेक की इस पूरी ट्विन टावर के बेसमेंट के 5 जो बीम्स हैं उनके अंदर ब्लास्ट जो है वो होना है, और ऐसे में आसपास की बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो, आसपास की पूरी बिल्डिंग को इंश्योरेंस जो है वो किया गया है। ये तमाम तरीके की हिदायत जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। खुद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कोई भी घटना जो है वो इस पूरे हादसे में ना हो, इस ट्रायल में ना हो, क्योंकि 22 तारीख को ये जो बिल्डिंग्स है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर पार्क जो है वो बनना था, लेकिन सुपरटेक ने यहाँ पर 32 मंजिल की इमारत जो है वो खड़ी कर दी थी, जिसके बाद आसपास की जो बिल्डिंग्स के रहने वाले लोग थे उन्होंने यहाँ पर RWS के साथ मिलकर के कोर्ट गए। कोर्ट ने इस पूरे मामले को संजीदा से लेते हुए इस पूरी बिल्डिंग को डेमोलिश करने का आदेश दिया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर कहा कि इस पूरी बिल्डिंग को अब जो है वो डेमोलिशन जो है वो किया जाए। अब इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो किया जा रहा है और आज इसका ट्रायल जो है वो किया जाएगा और आसपास जितना भी एक्सपोजर जो है वो लगाया जाएगा वो महफूज रहा है, क्योंकि 22 तारीख को जो एक्सपोजर लगाया जाएगा आसपास की बिल्डिंग को ना हो, नुकसान ना हो, ये पूरा ट्रायल जो है वो देखने को मिलेगा। अब से महज अगर कहा जाए क्योंकि 2:30 बजे के आसपास ये प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी है, यानी 2 मिनट का समय जो है वो बचा, उसके बाद से लेकर के कभी भी यहाँ पर एक्सपोजर जो है वो होंगे और वो आवाज जो है वो फिलहाल जो है यहाँ पर सुनाई देगी कि कितना नुकसान जो है वो हो रहा है। और आसपास के पूरे एरिया को आप देख सकते हैं कि सन्नाटा जो है वो इस वक्त पसरा हुआ है पूरी रोड पर, कोई भी शख्स आपको सड़क पर नजर नहीं आएगा, पूरी बिल्डिंग्स जो है वो पूरी तरह से खाली है, कोई मजदूर नहीं है, सिर्फ अंदर जो कंपनी के लोग हैं जो एक्सपोजर्स यहाँ पर फिट करा है, जिन्होंने जो यहाँ पर इसकी पूरी देखरेख कर रहे हैं वही लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा किसी को भी आसपास रहने की इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं दी गई है। मलिका, अरविंद अरविंद के पास चलेंगे। अरविंद, अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि एक बार पूरी बिल्डिंग की तस्वीर अगर वो दर्शकों को दिखाएं, और साथ साथ आप ये जानकारी भी देते चले कि जो ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, कुछ रोड्स भी बंद रहेंगे, कुछ रूट्स भी बंद रहेंगे, उससे जुड़ी अगर कोई अहम जानकारी आपके पास है दर्शकों को बताइए और साथ साथ तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे, सीधे अंकित को कहेंगे कि वो आपको तस्वीर दिखाएं। देखिए ये सामने जो सुपरटेक की ये बिल्डिंग है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया, क्योंकि जो पड़ोस में सुपरटेक की इमारत, रिहायशी इमारत जो आपको दिखाई दे रही होगी, उसके RWO ने मुहिम छेड़ी थी। तकरीबन 10 साल तक ये लड़ाई लड़ी गई, पहले हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको अवैध करार दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि बिना नोडा अथॉरिटी की मिली भगत के ये इस तरह से अवैध बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, ये पार्क की जमीन थी। जिसके बाद फाइनली 22 मई को यह निर्धारित किया गया है कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, लेकिन अब से महज 1 मिनट बाद कितनी देर में ब्लास्ट होगा, कितना वो यहाँ पर मुमकिन हो जाएगा। जी देखिए, 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो जो आप एक्सपर्ट है, जो एजेंसी जिसको ये जिम्मा दिया गया है, उसके ऑफिसर्स भी वो नीचे की तरफ खड़े हैं। हालांकि जो एजेंसी है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, उनका कहना है कि इस बिल्डिंग की 5 मंजिल पर जिसमें 13वीं मंजिल पर ब्लास्ट होगा, बाकी बेसमेंट में ब्लास्ट होगा, आवाज जरूर आएगी, लेकिन कोटिंग इस तरह की गई है कि एक धूल का कण भी बाहर नहीं आ पाएगा। दरअसल ये ट्रायल ब्लास्ट इसलिए है कि जब 22 मई को फाइनल ब्लास्ट होगा उसके लिए कितने विस्फोटक की जरूरत है उसके बारे में। लेकिन जैसा कि आपने पूछा ट्रैफिक एडवाइजरी, तो जरा बिल्डिंग के नीचे के इलाके को देखिए, ये जो पूरी सड़क है ये नीचे की सड़क पूरी खाली करा दी गई है, और सामने की तरफ का जो इलाका है वहां से बैरिकेटिंग जो की गई है, तो दूसरे छोर पर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां पर बैरिकेटिंग की गई है, और अब पूरे इलाके को अनाउंसमेंट के जरिए, आपने सुना भी है, अनाउंसमेंट के जरिए खाली कराया गया। उसके देखिए ये आवाज, अभी 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 जो आवाज आपने सुनी है वालिका, ये ट्रायल ब्लास्ट यहाँ पर हो गया, ये जोर की आवाज जो आपने सुनी है, ये अब ट्रायल ब्लास्ट जो है यहाँ पर कुल मिलाकर संपन्न हो गया है। तो 3 सेकंड में ये इतनी ऊंची इमारत आप देखिए, आसमान को छूती ये इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, पूरी इमारत ढहने वाली अब से कुछ ही देर में। सुशांत, आपका भी मैं रुख करना चाहूंगी। सुशांत, आप भी लगातार दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाते रहिए, क्योंकि अब कुछ ही वक्त में ये ट्रायल ब्लास्ट होने वाला है।
देखिए ट्रायल ब्लास्ट अब से एक सेकंड में अगर पहले कहा जाए तो ट्रायल आवाज की आवाज हमारे दर्शकों ने साफ तौर पर सुनी है और अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से आदेश दिया गया है कि आसपास आधे घंटे तक कोई इस बिल्डिंग के आसपास जो है वो नहीं जाएगा। एक धमाका जो है वो हुआ है और अभी फिलहाल एक धमाका भी और हो सकता है क्योंकि अभी फिलहाल 13वीं मंजिल पर और 5वीं जो बेसमेंट है उसके अंदर ये जो है वो होना है। तो लगातार अब पुलिस की तरफ से ये हिदायत दी जा रही है कि इस बिल्डिंग के आसपास आधे घंटे तक कोई जो है वो शख्स जो है वो नहीं पहुंचेगा। आप लगातार देख सकते हैं यही वो ट्विन टावर है जिसके अंदर अभी फिलहाल ट्रायल ब्लास्ट जो है वो हो चुका है और इसके बाद अभी एक बार फिर से एक ब्लास्ट जो है वो सुनाई देगा और पूरे इलाके के अंदर आसपास की जो बिल्डिंग्स है उनको अंदर रहने की हिदायत जो है वो लगातार दी जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से मलिका। और ये जो लड़ाई थी पिछले 10 सालों से लगातार चलती आ रही थी उसको लेकर के अब यहाँ पर ट्रायल ब्लास्ट जो है वो शुरू हुआ है और अब 22 मई को यहाँ पर फाइनल जो है वो होगा, पूरी तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो डेमोलिशन जो है वो कर दिया जाएगा। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो इमारत है वो भ्रष्टाचार की इमारत थी, आसपास की सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी और हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, उसके बाद यहां से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई पहुंचनी पड़ी, उसके बाद जाकर के यहां पर लोगों को जो है एक इंसाफ जो है वो मिला। और लगातार आप देख सकते हैं कि आसपास की जो बिल्डिंग्स के लोग हैं, सिक्योरिटीज है, वो यहां पर मौजूद है। लगातार इमारत को धमाके से उड़ाने का आज ट्रायल है, आज केवल ढहाने का ट्रायल होगा और 22 मई को इस टावर को उड़ाने की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अरविंद, आपके पास आते हुए क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और क्या चल रहा है वहां पर? अभी तस्वीरें आप लगातार दर्शकों को दिखाते रहिए। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि इस कुछ देर पहले मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ था, एक धमाके की आवाज भी आपने सुनी होगी, वो एक ट्रायल ब्लास्ट था और ट्रायल ब्लास्ट फिलहाल संपन्न हो गया है। ये जो बिल्डिंग है यानी अब ट्रायल ब्लास्ट के बाद जो एक्सपर्ट हैं वो बाहर की तरफ जो खड़े हैं वो ये तमाम एक्सपर्ट अंदर जा रहे हैं, कुछ देर बाद अंदर जाएंगे और उसके बाद जो 13वीं मंजिल है और बेसमेंट में 5 मंजिल उन जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर जाकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ तमाम जो चीजें हैं उसको कलेक्ट करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे लैब में ले जाकर कि आखिर कितने विस्फोटक की जरूरत पड़ेगी, नंबर एक, और नंबर दो कि किस तरीके से ये 103 मीटर ऊंची इमारत को ढाया जाए कि आस पड़ोस में जो रिहायशी एरिया है उसको नुकसान न पहुंचे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ऑफिसर्स है, जो एजेंसी है जिन पर जिम्मेदारी थी, वो जो ब्लास्ट है अभी कुछ देर पहले जो ब्लास्ट आया था वो ब्लास्ट संपन्न हो गया है, एक जोरदार धमाका हुआ था। क्या एक धमाका और होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी क्लियरिटी नहीं मिल पाई है, लेकिन एहतियात के तौर पर फिलहाल पूरे इलाके को खाली जरूर कराया गया था। और ये देखिए, ये जो सामने आप अगर ब्लू शर्ट में देखेंगे तो ये वो एजेंसी के लोग हैं जिनको पर जिम्मेदारी दी गई है इस बिल्डिंग को गिराने की। तो अब से कुछ देर पहले जो जोरदार धमाका आया था तो जिस तरह से ढाई बजे का वक्त था ट्रायल ब्लास्ट का, तो वो ट्रायल ब्लास्ट कहीं ना कहीं संपन्न हो गया है। अब जो तमाम ये एक्सपर्ट हैं ये राय मशवरा कर रहे हैं कि आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, लेकिन आज ये तय था कि ट्रायल ब्लास्ट होगा और ट्रायल ब्लास्ट संपन्न हो गया है। जोरदार धमाके की आवाज हमने अपने दर्शकों को सुनाई। जी अरविंद, 5 पिलर में टेस्ट ब्लास्ट होना था, एक धमाके की आवाज तो हमने सुनी, क्या और धमाके भी प्लान्ड है और अगर हाँ तो उसमें कितना वक्त और? जी देखिए, हम कोशिश करेंगे आपको अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर धमाका हुआ। एक जोरदार धमाके की आवाज तो हमने सुनाई, लेकिन बहुत मुमकिन हमें लगता नहीं है कि और भी धमाका होगा यहाँ पर। तो क्या सर, ये ट्रायल ब्लास्ट सक्सेसफुल रहा? सर ट्रायल ब्लास्ट सक्सेसफुल रहा? We'll just check it. अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक और क्या धमाका होगा? नहीं अभी कुछ नहीं, हो गया एक ट्रायल धमाका हुआ 3 सेकंड का। आप देखिए ये एपीडिस के जो मेन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस एजेंसी को, ये सामने की तरफ की बिल्डिंग में। तो सर ये ट्रायल ब्लास्ट के जरिए अब क्या जानने की कोशिश करेंगे? सो ट्रायल ब्लास्ट ऑलरेडी हो गया है, नाउ हम लोग इसको एसेस करेंगे और पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना अभी एक्सप्लोजिव यूज करना है और एक बार देख लेंगे हम लोग आज, फिर 2-3 दिन में हम लोग पता करेंगे कितना एक्सप्लोजिव यूज करना है और अभी कितना टाइम लगेगा वो पता चलेगा। तो ये देखिए, ये आप सीधे सीधे जो एजेंसी एफिडेविट उसके ये अधिकारी हैं और इनका कहना है कि ये जो बिल्डिंग है हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे करीब से, क्योंकि अब खतरा कहीं ना कहीं टल चुका है। जो ट्रायल ब्लास्ट है वो संपन्न हो चुका है और बाकायदा इन अधिकारियों ने कहा कि अब ये अंदर जाकर तमाम ये जो डेंजर एरिया है, ब्लास्टिंग एरिया, इसको घोषित किया गया था और यहाँ से सभी लोगों को हटा दिया गया था। तो ये अब ये क्लियर हो गया है कि ट्रायल ब्लास्ट संपन्न हो गया है, तमाम अधिकारी अंदर जाएंगे और
ये जांच परखने की कोशिश करेंगे कि जब 22 मई को फाइनल जब ब्लास्ट किया जाएगा और उस ब्लास्ट के जरिए इस पूरी इमारत को जमींदोज किया जाएगा तो उसके लिए कितने विस्फोटक की जरूरत होगी। यहाँ बकायदा कुछ एक्सपर्ट साइंटिस्ट वगैरह भी यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। और ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया गया था, बेहद करीब से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लगातार तस्वीर आप दर्शकों को दिखाती रही है, उस इमारत की तस्वीर आप दिखाती रही है। और ये महत्वपूर्ण पूरे इलाके को अनाउंसमेंट के जरिए अनाउंसमेंट के जरिए खाली कराया गया। उसके देखिए ये आवाज अभी 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 जो आवाज आपने सुनी है वलिका, ये टायर ब्लास्ट यहाँ पर हो गया, ये जोर की आवाज जो आपने सुनी है अब पूरे इलाके को अनाउंसमेंट के जरिए आपने सुना भी है, अनाउंसमेंट के जरिए खाली कराया गया। उसके देखिए ये आवाज अभी 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 जो आवाज आपने सुनी है वलिका, ये टायर ब्लास्ट यहाँ पर हो गया, ये जोर की आवाज जो आपने सुनी है बिल्कुल, और अब पूरे इलाके को अनाउंसमेंट के जरिए आपने सुना भी है, अनाउंसमेंट के जरिए खाली कराया गया। उसके देखिए ये आवाज अभी 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 जो आवाज आपने सुनी है वलिका, ये टायर ब्लास्ट यहाँ पर हो गया, ये जोर की आवाज जो आपने सुनी है बिल्कुल, और अब पूरे इलाके को अनाउंसमेंट के जरिए आपने सुना भी है, अनाउंसमेंट के जरिए खाली कराया गया। उसके देखिए ये आवाज अभी 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 जो आवाज आपने सुनी है वलिका, ये टायर ब्लास्ट यहाँ पर हो गया, ये जोर की आवाज जो आपने सुनी है बिल्कुल, और अब पूरे इलाके को अनाउंसमेंट के जरिए आपने सुना भी है, अनाउंसमेंट के जरिए खाली कराया गया। उसके देखिए ये आवाज अभी 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 जो आवाज आपने सुनी है वलिका, ये टायर ब्लास्ट यहाँ पर हो गया, ये जोर की आवाज जो आपने सुनी है बिल्कुल, पहला चेस धमाका हुआ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद आप हमें उस इमारत की तस्वीर दिखाते रहिए और साथ ही दर्शकों को ये बताइए कि ये टेस्ट जो था वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था, और ये तो महज ट्रेलर था, जो धमाके की हमने आवाज सुनी है, ऐसे कितने धमाके सुनाई देंगे 22 मई को। देखिए सबसे पहले बता दूं कि ये तमाम वो एक्सपर्ट हैं, तमाम वो अधिकारी हैं, यही इन्हीं के जिम्मे ये जो पूरी बिल्डिंग है उसको गिराने की जिम्मेदारी है। ट्रायल ब्लास्टर हो गया ब्लास्ट, क्या इसके जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं जो तमाम लोग हैं, क्या इस ब्लास्ट के जरिए अगर कुछ बता पाए शॉर्ट में? नहीं सर। सर इस ब्लास्ट के जरिए एक लाइफ दिया इस ब्लास्ट के लिए क्या जानने की कोशिश बेसिकली है, सर कितना बताए? सो ये ब्लास्ट के जरिए हम ये जानना चाहते हैं कि जो एक्सप्लोजिव यूज करना है वो कितनी मात्रा में यूज करना है, और अभी जो हम टेस्ट ब्लास्ट किया है उससे पता चलेगा कि हमको कितना ब्लास्ट यूज करना है तो ये देखिए जो ये एक्सपर्ट है इन्होंने बताया है कि अभी चूंकि काफी जोरदार धमाके की आवाज हमने सुनी, और ये बिल्डिंग आपको फिर से दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्डिंग अगर आप देखें तो इसे ही जमींदोज करना है, और 22 मई को महज 9 सेकंड में ब्लास्ट के जरिए इस 103 मीटर की जो इमारत है सुपरटेक की, इसको गिराया जाएगा। और जोरदार धमाके की आवाज जो हमने अपने दर्शकों को सुनाई, जबकि हम यहां से काफी डिस्टेंस में थे, हम अंकित को दिखाना भी चाहेंगे कि इस बिल्डिंग में धमाका हुआ है और यहां से हम कितनी दूर पर खड़े थे, हमारी दूरी काफी डिस्टेंस पे थी और वहां तक ये आवाज सुनाई दी, आस पड़ोस के लोगों को सुनाई दी। हम एक बार फिर बिल्डिंग को दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिसमें ट्रायल ब्लास्ट हुआ है, 13वीं मंजिल और नीचे बेसमेंट में 5 मंजिल, इन तमाम जगहों पर ये ट्रायल ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जो सबसे चिंता की बात है, जो एक्सपर्ट है, जो तमाम इंजीनियर है, कि ये जो बिल्डिंग है अपेक्स बिल्डिंग और सियाना बिल्डिंग, उसके ठीक बगल में सुपरटेक की रिहायशी बिल्डिंग है, और इसी सुपरटेक की रिहायशी बिल्डिंग में रहने वाले आरडब्ल्यूए के लोगों ने ये लंबी लड़ाई लड़ी 10 साल तक, और ये बताने की कोशिश की है कि ये पार्क की जमीन थी जिसमें इतनी ऊंची इमारत अवैध तरीके से खड़ी कर दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये इस बिल्डिंग को गिराया जाना है जिसमें आज ट्रायल ब्लास्ट हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मलिका वो ये होगी कि इस बिल्डिंग को आप देख पा रही ऊंचाई किस तरीके से गिराया जाए कि ये सीधे नीचे की तरफ गिरे, ताकि पड़ोस में जो सुपरटेक की रिहायशी बिल्डिंग है, और दूसरी तरफ हम कोशिश करेंगे दिखाएं ये जो सामने की तरफ बिल्डिंग है इसको नुकसान न पहुंचे। हालांकि जब ट्रायल ब्लास्ट होना था तभी एहतियात के तौर पर अड़ोस पड़ोस के रहने वालों को ये चेतावनी दे दी गई थी कि जिस वक्त ट्रायल ब्लास्ट होगा आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम अंकित को कहेंगे कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे बिल्डिंग के आए, क्योंकि अभी अधिकारियों ने कहा है कि अभी इस बिल्डिंग से दूर रहने की जरूरत है। लेकिन ये तय है कि एक ट्रायल ब्लास्ट हो गया, और हिंदुस्तान में शायद पहली इतनी ऊंची इमारत, इतनी लंबी और ऊंची इमारत होगी जिसको ढाया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 22 मई को। लेकिन इस ट्रायल ब्लास्ट के जरिए ये जानने की कोशिश की गई, जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि 22 मई को जब 9 सेकंड में इस बिल्डिंग को ढाया जाएगा तो कितने एक्सप्लोसिव की जरूरत पड़ेगी, ये जानने के लिए आज ट्रायल ब्लास्ट किया गया, जिसके धमाके की गूंज आपने सुनी। बिल्कुल अरविंद, और ये समझना भी दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण होगा कि एक टेस्ट ब्लास्ट के लिए एहतियाती कदम जो उठाए गए, तो जरा सोचिए 22 मई को जब इस इमारत को ढहाया जाएगा, जब इस ट्विन टावर को ढहाया जाएगा, तो कितने व्यापक स्तर पर एहतियाती कदम उठाने होंगे अरविंद। जी बिल्कुल, देखिए और आप देखिए जरा एक बार नीचे की तरफ, हम कोशिश करेंगे, देखिए ये जो पूरा ब्लास्टिंग एरिया था उसको पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे जो गाड़ी जिसमें डेंजर लिखा हुआ है, इस गाड़ी में फरीदाबाद पलवल से विस्फोटक आया, तकरीबन 5 किलो विस्फोटक उस गाड़ी में सुबह सुबह 6 बजे पहुंचता है, पूरी तरह से एहतियात बरता गया था। उसके बाद एफिडिस जो कंपनी है, जो एजेंसी है जिसके ऊपर जिम्मेदारी, अभी भी देखिए इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, ये ब्लास्टिंग एरिया है, क्योंकि जो ऑफिसर्स है इसी गेट के जरिए अंदर दाखिल हुए। उसके बाद ये जो बिल्डिंग है अवैध तरीके से घोषित की गई थी, जिसको ढाया जाना है 22 मई को, इस बिल्डिंग में 13वीं मंजिल पर और बेसमेंट में नीचे 5 मंजिल पर जो विस्फोटक है उसको फिट किया गया, लेकिन इस तरह की कोटिंग की गई कि कोई भी धूल का कण वो बहार न आ सके, और सिर्फ 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि ये जाना जा सके कि ये जो 103 मीटर की कई मंजिला बहुमंजिला जो इमारत है, इसको जब 22 मई को ढाया जाएगा तो कितने किलो विस्फोटक, कितनी मात्रा में विस्फोटक की जरूरत पड़ेगी, नंबर एक। नंबर दो, कैसे इसे इस तरीके से गिराया जाए कि इसके ठीक बगल में जो सटी सोसाइटी है, जो महज 9 मीटर के डिस्टेंस पर है, उसको नुकसान न पहुंचे, नंबर एक। नंबर दो, अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो वहां पर भी एक सोसाइटी है, उसे भी नुकसान न पहुंचे। तो आसपास के लोग जाहिर सी बात है काफी डरे और सहमे भी हुए थे, जिनको एजेंसियों ने बात करके कन्विंस भी किया। आज भी ये हिदायत दी गई थी कि आज ये लोग बाहर न निकले, नहीं अपनी खिड़कियों से झाके, जिसके बाद तकरीबन 2:30 बजे के लगभग ये ट्रायल ब्लास्ट हुआ, और हिंदुस्तान में पहली बार किसी इतनी बड़ी इमारत को ढाया जाएगा, ये अपने आप में एक इतिहास होगा 22 मई को। लेकिन एहतियात पूरा रखा गया, जो आप देख पा रहे हैं नोएडा पुलिस के अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद थे, पूरा ये जो इलाका था ब्लास्टिंग एरिया इसको घोषित किया गया था, पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद थे, पहले से अनाउंसमेंट वो किया जा रहा था, जो एजेंसी है एफिडिस वो इंजीनियरिंग उसके लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो बाकायदा पूरी तरह से एहतियात बरता गया। जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं उनमें रहने वालों को कन्विंस किया गया, उसके बाद अरविंद कई अहम फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना होगा इसकी फुल फ्लेज्ड प्लानिंग के लिए, जो कि 22 मई को ट्विन टावर को ढहाया जाएगा। और जैसे कि लगातार अरविंद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको वो धमाका सुनाते हैं, 3 सेकंड में ब्लास्ट टेस्ट हुआ, सुनिए ये धमाके की गूंज। तो टेस्ट ब्लास्ट के दौरान आपने देखा किस तरह से धमाके की गूंज सुनाई दी। 22 मई को ये ट्विन टावर को पूरी तरह से ढहाया जाएगा, जिसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है उसको लेकर जायजा किया जाएगा।